सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो हम आज बात करने वाले हैं टॉप 5 मोबाइल प्रोसेसर के बारे में, जो कि 20,000 रुपये के अंदर के मोबाइल फ़ोनों में दिया जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, हमारे इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 730G, जो कि क्वालकॉम कैरोनो 470 के CPU और एड्रेनो 618 GPU के साथ चलता है। और इसमें हमें 64 बिट्स का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ इस प्रोसेसर से हम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और इसमें हमें AI इंजन का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि 4th जनरेशन का। और इसके साथ साथ हमें इसमें वाईफाई 6 भी देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर 8 नैनोमीटर चिपसेट के साथ आता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर के प्रोसेसर की बात करें तो वो है स्नैपड्रैगन 720G, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, जिसमें हमें क्वालकॉम कैरोनो 465 का CPU और एड्रेनो 618 का GPU देखने को मिलता है। इसके साथ ही ये फ़ोन 64 बिट्स को सपोर्ट करता है और इसमें भी हम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें हमें 5 जनरेशन का AI इंजन देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ ये जो है 8 नैनोमीटर के चिपसेट के साथ आता है और इसमें वाईफाई 6 का भी सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर इस टाइम का काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए बेस्ट प्रोसेसर है। इस लिस्ट के तीसरे नंबर के प्रोसेसर की बात करें तो वो है मीडियाटेक का G90T। इसमें हमें RTX A76 और RTX A55 कोर का CPU देखने को मिलता है। अधिकतम गति 2.05 GHz तक की है। इसमें हमें माली G76 का GPU देखने को मिलता है। इस फोन में भी 64 बिट्स का सपोर्ट है और इसके साथ ही आप इस पर भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें भी हमें AI का सपोर्ट मिलता है और इसके साथ साथ प्रोसेसर में भी हमें 8 नैनोमीटर का चिपसेट देखने को मिलता है और इसमें भी हमें वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिलता है। इस लिस्ट के चौथे नंबर के प्रोसेसर की बात करें तो वो है स्नैपड्रैगन 712, जिसमें हमें क्वालकॉम कैरोनो 360 का प्रोसेसर और एड्रेनो 616 का GPU देखने को मिलता है। इस प्रोसेसर में भी हमें 64 बिट्स का सपोर्ट और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। इसमें हमें AI का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि 3rd जनरेशन का होगा। इसके साथ ही इसमें भी वाईफाई 6 का ही सपोर्ट मिलता है और इस प्रोसेसर में हमें 10 नैनोमीटर का चिपसेट देखने को मिलता है। अब हमारे इस लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पर जो प्रोसेसर है उसका नाम है स्नैपड्रैगन 730। इस प्रोसेसर में भी हमें क्वालकॉम का कैरोनो 470 का CPU और एड्रेनो 618 का GPU देखने को मिलेगा, जो कि हमें कई लेटेस्ट प्रोसेसर में भी देखने को मिल रहा है इसका GPU। इसके साथ ही इसमें हमें 64 बिट्स का सपोर्ट मिलता है और 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी मिलता है और इसमें भी हमें AI का सपोर्ट मिलता है, जो कि 4th जनरेशन का है। और इसके साथ ही हमें इसमें भी वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है और इस प्रोसेसर में हमें 8 नैनोमीटर का चिपसेट देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।